अस्सलामुअलैकुम 47 न्यूज़ स्टूडियो में खुशामदे। मैं हूँ इफ्ज़ा फारूक। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। मोहम्मद सलीम परवाज पाकिस्तान अवामी तहरीक शकरगढ़ के सदर मुंतखब हो गए। पाकिस्तान अवामी तहरीक शकरगढ़ का एक अहम इजलास हुआ, जिसकी सदारत सेंट्रल पंजाब पाकिस्तान अवामी तहरीक के कोऑर्डिनेटर जिला नारोवाल मलिक करामत ने की। इस मौके पर मलिक करामत ने मोहम्मद सलीम परवाज के गले में पार्टी परचम का पटका भी पहनाया और तमाम रहनुमाओं ने मुबारकबाद पेश की। मोहम्मद सलीम परवाज ने कहा, शकरगढ़ में आइंदा बल्दियाती इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लिया जाएगा और इंशाल्लाह पाकिस्तान अवामी तहरीक शकरगढ़ पर पूर्ण मुकाबला करेगी। इस मौके पर चौधरी रशीद हुसैन, एडवोकेट मोहम्मद फैसल रफीक, नईम और दीगर मौजूद थे। नौशहरा विरका स्पेन में एक ही खानदान के तीन अफराद बिल्डिंग में आग भड़कने से झुलस गए। तीनों जख्मी अस्पताल मुंतकिल किए गए, मगर वो जान बड़ ना हो सके। जहां बहक होने वाले तीनों अफराद का ताल्लुक नवाही गांव जाजोकी से था। जहां बहक होने वालों में सरफराज अबू सफियान और मजर सलीम शामिल। बजरिया एयरलाइन डेड बॉडीज को पाकिस्तान पहुंचा दिया गया। डेड बॉडीज अबाई गांव पहुंचते ही कोहराम मच गया, अहले इलाका की फजा सोगवार। स्पेन में जहां बहक होने वालों को आहों और सिसकियों में सुपुर्द खाक कर दिया गया। नौशहरा विरका के नवाही गांव बब्बर में बिजली की लटकती हुई मेन तारों से करंट लगने से नौजवान जिंदगी की बाजी हार गया। जाबा कोने वाले नौजवान की कुछ अरसा बाद शादी थी। अहले दिहा का कहना है कि कई बार महकमा वापटा को लटकती तारों को समेटने का कहा गया, मगर किसी के कान तले जू तक न रेंगी। बिल आखिर एक और जिंदगी चली गई। वापटा की बेहिसी के खिलाफ अहले दिहा ने एहतजाजी मुजाहरा भी किया। गांव बब्बर के अलावा भी शहर भर में जगह जगह बिजली की तारें लटक रही हैं, जो किसी भी वक्त बड़े हादसे का सबब बन सकती हैं। पूरे पाकिस्तान की तरह खुशाब में भी फ्रांस की तरफ से की जाने वाली गुस्ताखियों और गुंडागर्दी के खिलाफ तहफ्फुज़ नामूसे रिसालत रैली निकाली गई, जिसकी कयादत मौलाना दिलदार रिजवी मुफ्ती साजिद हुसैन ने की। रैली गढ़ चौक से निकलकर कलमा चौक पर अख्ताम पजीर हुई। रैली में शरीक सैकड़ों कारकुनों की आमद। रैली लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह के नारों से गूंजती रही। मुकर्ररीन ने इस मौके पर कहा कि हम हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। खबर दें आपको राजा जंग से, जहां पर राजा जंग के मारूफ समाजी और मजहबी शख्सियत मियां अमानत अली इंतकाल कर गए। मरहूम कुछ अरसे से अलील थे। मियां अमानत अली जमात अहले सुन्नत राजा जंग के सदर भी थे। नमाज जनाजा में राजा जंग के सियासी और समाजी रहनुमाओं के अलावा शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मरहूम को सैकड़ों सोगवारों की मौजूदगी में सुपुर्द खाक कर दिया गया। हेडलाइंस आपने जानी। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए 47 न्यूज़।